योर क्वेश्चन इज चेंज द एंगल्स टू रेडियंस. तो ये व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू चेंज द एंगल. दे सी दिस, दे हैव गिवन इन डिग्री. तो वी नो दैट वन, हाउ वी हैव टू डू इट, वी नो दैट इट्स 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इन रेडियंस. और वी कैन से इट्स 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस. द सिंपल वे इज हाउ, दे हैव गिवन यू हियर 20 डिग्री. तो 20 डिग्री दैट मीन्स 20 डिग्री इज आउट ऑफ हाउ मच, फुल सर्कल 360 डिग्री ऑफ 2 पाई, ऑफ 2 पाई दैट मीन्स इनटू 2 पाई. सिंपल वे इज दिस, डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 360 डिग्री. तो इफ यू मल्टीप्लाई हियर वी विल राइट इन रेडियंस, दे आस्क इन रेडियंस, एंड डिवाइड वी हैव टू डू इन डिग्री, सिंपल वे. तो नाउ इफ यू कट इट, व्हाट यू विल गेट, सी दिस, 0 0 गॉन. दिस इज 2 × 2 = 4 एंड दिस इज 9. तो वी विल गेट पाई बाय 9. हियर 40 डिग्री, तो हाउ वी विल डू, 40 डिग्री मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, बट अपसाइड यू हैव टू राइट रेडियंस, दैट इज 2 पाई. तो इनटू 2 पाई बाय 360 डिग्री. सो नाउ कट इट, दिस इज योर हाउ मच, 4 9, यर 2 पाई बाय 9. This answer is your 2 pi by 9. Next, 25 degree. That means 25 by 360 into 2 pi. Now cut it by 5 first. So here comes 5. And this is what? 7 and 2, 72. So now you can cut it by 2 or reduce by 2. तो यर यू विल गेट 36, दैट मीन्स 5 pi by 36. दिस इज इन रेडियंस. नाउ कम्स टू 50 डिग्री. तो 50 डिग्री इज हाउ, 50 degree by 360 degree. पाई मीन्स वी आर फाइंडिंग आउट फ्रॉम 360 डिग्री हाउ मच इट इज देयर इन पाई. तो दैट इज 2 pi, ऑफ 2 pi. तो दैट इज 2 pi हियर. Now 0 0 gone. This 1 and this 18. So we will get 5 pi by 18. Next comes your 5 degree. How much is the radian? So we can say 5 degree by 360 degree of 2 pi. So how much? This is 1. And this is 72. Now cut it. This is 36. That means pi by 36. So like this we have to find it out. It's very easy to find